हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ इन चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत से कैंडिडेट को इससे रिलेटेड डाउट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस दो क्वेश्चन को। तो फर्स्ट जो है, एडवोकेट कैन प्रैक्टिस इन ऑल स्टेट्स, डेट मीन्स जो एडवोकेट है वो दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर सभी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। और साथ में कई बार कैंडिडेट को डाउट होता है कि अगर वो कोई एक स्टेट में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कोई दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे बस चुके हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे या फिर उनको क्या प्रोसेस करना होगा उनके लिए, तो वो भी इस क्वेश्चन में कवर करूँगा। सेकंड जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, डेट मीन्स कितने बार आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। फर्स्ट का आंसर होगा, एडवोकेट रजिस्टर्ड इन द रोल ऑफ वन स्टेट कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द कंट्री। डेट मीन्स कोई भी एडवोकेट जो रजिस्टर्ड करवा चुके हैं वन स्टेट में, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कंट्री में कहीं भी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट एक्ट, एन एडवोकेट इज एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन ऑल द टेरिटरीज कवर्ड इन दिस एक्ट हॉल ऑफ इंडिया। डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जितने भी एडवोकेट हैं वो एलिजिबल है प्रैक्टिस करने के लिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है। ही कैन प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ही कैन प्रैक्टिस बिफोर एनी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी एंड एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज टू टेक एविडेंस ऑफ द केस। डेट मीन्स जो एडवोकेट है वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, साथ में वो किसी भी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी एंड एनी पर्सन के अंदर, वो ऑथोराइज्ड पर्सन के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट टू प्रैक्टिस इन अ स्टेट अदर देन द रजिस्टर्ड स्टेट, द एडवोकेट नीड्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन द रिस्पेक्टिव बार काउंसिल ऑफ द स्टेट वेयर ही वांट्स टू प्रैक्टिस। डेट मीन्स जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो पहले से वो रजिस्टर करवा चुके हैं एक स्टेट में, एंड वो अगर चाहते हैं कोई दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ भी उन्हें बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के जो है वो वहाँ पर जाके उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। विदाउट रजिस्टरिंग विद द स्टेट बार काउंसिल दी एडवोकेट कैन नॉट प्रैक्टिस। ही नीड्स टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी। और विदाउट रजिस्ट्रेशन का आप कहीं भी कोई भी अदर स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सो आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफ में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कम्प्लीट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एन एडवोकेट कैन बी अ मेम्बर ऑफ मल्टीपल स्टेट बार काउंसिल, बट ही हैज़ टू पे द एनुअल फीस ऑफ ऑल द स्टेट बार काउंसिल टू कंटिन्यू हिज मेम्बरशिप इन दोज काउंसिल्स। डेट मीन्स जितने भी एडवोकेट हैं वो अगर चाहते हैं कि वो मल्टीपल स्टेट बार काउंसिल में वो मेंबर रहें, तो उन्हें हर जो एनुअल फ़ी है वो पे करना होगा, जो भी मल्टीपल बार काउंसिल में उन्होंने रजिस्टर करवा कर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन थे हमारे पास कि कितने अटैम्प्ट आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। तो देर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ अटैम्प्ट टू द बार एग्जामिनेशन। इफ़ एन एडवोकेट डज नॉट पास द एग्जामिनेशन एट वंस, देन ही कैन रीअपेयर इट एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वंस ही सी पासेस द एग्जामिनेशन। डेट मीन्स अगर कोई भी एडवोकेट जो है जब तक पास नहीं होंगे वो उनके पास एलिजिबल हैं कि वो कई अटैम्प्ट वो डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट नहीं दिया हुआ है। सो आप जब तक पास ना करें और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको ना मिले, तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने पिक किया था वो काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं कैंडिडेट को लेकर, कि अगर कोई एक जो एडवोकेट है अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो साथ में अगर वो चाहते हैं कि कई अदर स्टेट में वो जाके रह रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको वहाँ के पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्टर करवाना होगा, उनके बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।